यीशु की आराधना करने से पहले हम अपने आप को समर्पण करें कि हमारा जीवन आराधना के योग्य होने पाए। तेरी महिमा, तेरी आराधना we
बीच में हालेलुया गाने के लिए। हमारे अंदर परमेश्वर ने वो सामर्थ दिया है यीशु मसीह के द्वारा। उस तूफानों के बीच में हम हालेलुया कर सकते हैं, यीशु की महिमा हम कर सकते हैं, जय मन से बढ़कर, क्योंकि हम हैं यहोवा निसी परमेश्वर जो जय का झंडा है हमारे साथ है। इसलिए हम मिलकर कह सकते हैं, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा हमारे बीच में है प्रभु। राख से परमेश्वर ने हमें निकाला है, उस चट्टान यीशु मसीह में हमें खड़ा किया है ताकि उस परमेश्वर की महिमा हम कर सके। मैं गाऊंगा परमेश्वर की वायदा हमारे साथ है। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं है। कई बार जीवन में संघर्ष आती है, उन संघर्षों में हम गिर जाते हैं, हमारा हिम्मत हम हार जाते हैं, खो देते हैं, परंतु आज सुबह के समय परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे संग सर्वदा सदा सर्वदा रहूंगा। उस परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें, आपके साथ है, आपके संग है परमेश्वर। इसलिए हम कह सकते हैं मैं कभी ना डरूंगा, कभी मैं डगमगाऊंगा नहीं, क्योंकि यहोवा यरी परमेश्वर मेरे साथ है। यहोवा शालोम परमेश्वर जो मुझे शांति देता है वो मेरे साथ है। इसलिए मैं जीवन का सामना, संघर्षों का सामना उस परमेश्वर के द्वारा मैं कर सकता हूं। Thank you.
Yeshua, 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 Yeshua.
छाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। Shoot.
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, हम देते हैं वो परमेश्वर मेरे साथ है, तो इसलिए मैं
परमेश्वर मेरे साथ है। ओ यीशुआ 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, जीवन भर इस धैर्य के साथ हमारे जिंदगी के चुनौतियों का सामना करने के लिए आप हमें प्रभु जी सामर्थ्य दे। हमारी परमेश्वर हमारी प्रार्थना है, क्योंकि आपके द्वारा हम सब काम कर सकते हैं। जो हमें बल देता है वो परमेश्वर के द्वारा हम सब काम कर सकते हैं प्रभु। ये आपने वायदा दिया है आपके वचन में, और उस वायदे के अनुसार प्रभु हमारी प्रार्थना है। हर एक हमारे जीवन के सामने जो पहाड़ा खड़ी होती है प्रभु, के सामने प्रभु जी धैर्य के साथ खड़े होकर हम ये कह सके कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे परमेश्वर के द्वारा मैं हर पहाड़ का सामना कर सकता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना है जब हम आपके चरणों में बैठते हैं प्रभु, आपके वचन को सुनना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है आपके वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें। आदर और महिमा हम आपको देते हैं, और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। कृपया सब बैठे। Praise the Lord. और सभी लोग नहीं बताया। हालेलुया। और खुदा ने बहुत ही अनमोल अवसर में दी ताकि हम खुदावंद का इबादत कर सके। बहुत सही सलामत खुदावंद अपने भवन में हमें लेकर आए हैं। जितने लोग आज इस आराधनालय में मौजूद है, आप सब के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं। विशेष तौर पर हमारे अजीज खुदावंत के कादिम पास्टर सूर्या के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आप सब के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज खुदा ने हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। और पिछले एक हफ्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें संभालते रखा। अचानक मुझे भी लास्ट वीक में कहीं जाना पड़ा, और आप सब सही सलामत रहा और साथ चर्च को आप संभाला, बंदगी को आप सब पूरा सहयोग दी। आपके इस सहयोग के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज आराधना के लिए हम आए हैं, और आप में से कोई भी ऐसे हैं जो पहली बार इस चर्च में आया, आप अपने स्थानों में खड़े हो जाए। जो फर्स्ट टाइम इस चर्च में आए अपने स्थानों में खड़े हो जाए। हम एक दूसरे के लिए क्या करें? दुआ करें, एक दूसरे से संगति रखें। कोई गलत भावना में संगति नहीं रखना। संगति रखते 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 उनको लेके नहीं जाना। कई लोग संगति रखते हैं उनको लेके चले जाता है, ऐसे संगति नहीं रखना। खरे दिल से, खरे मन से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप क्या करें? एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखे, संगति बनाए रखे, प्रार्थना करते रहे, खुदावंत के अनुग्रह पाए। कई दफा मेन रोड में खड़े होकर मैं प्रार्थना करता हूं कई लोगों के लिए, रास्ता में मिल जाता है लोगों को और कहते हैं पादरी साहब आप मेरे लिए प्रार्थना। मैंने कहा नहीं, अभी करता हूं प्रार्थना। सड़क में मैं नहीं देखता, इधर से गाड़ी जा रही उधर से, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। मैं उसी समय उनके लिए दुआ करता हूं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने एक जगह पे देखा पिछले साल, जहां पिछले नहीं दो साल के पहले ये मेरे ख्याल कही गया, चर्च कई एकड़ जमीन प्रार्थना का जमीन
उनके वहां पर प्रार्थना करने के लिए, उनके आराधनालय है आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए खुला जमीन, उसमें पूरा घास से भरा हुआ है, छोटे छोटे पहाड़ के तरह बना हुआ है। लोग वो मैदान में, खुले मैदान में बैठकर लोग क्या कर रहे, प्रार्थना करते, प्रार्थना करके चर्च में आते हैं। कम से कम एक दो घंटे चर्च के बाहर खुले मैदान में बैठकर दुआ करके चर्च में आ जाता है। ये नहीं चर्च का समय 11 बजे है, 12 बजे चर्च में आने वाला लोग नहीं है वो। वो लोग 11 बजे चर्च का टाइम है तो 9 बजे से आकर क्या करता, मैदान में बैठकर प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम तो 11 बजे बंदगी है तो 11 बजे नहाने जाएंगे घर पे, उसके बाद नहा के कितने बजे, 12 12:30 बजे तक, चलो हमारे चर्च थोड़ा सा और अच्छे है, 11 बजे है तो 11 बजे पहुंचता कि नहीं है? कोशिश पूरा आप करते हैं, बहुत दूर से आप आते हैं और 11 बजे चर्च पहुंचना है तो अब 10 बजे घर से निकलना पड़ेगा कम से कम, तभी आप क्या करते हैं है? तभी टाइम पर पहुंच सकते हैं। आया प्रार्थना के साथ आए और बंदगी करे, खुदावंद में आशीष और बरकत देखा। काफ़ी इंट्रोडक्शन की लेकिन आज प्रचार के लिए बहुत सारा समय नहीं, अपने नियुक्त समय पर बंदगी समाप्त करेंगे। आज खुदावंद के कलाम पढ़ने के लिए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। इफिसियों का खत पहले अध्याय उसके 15 आयत से लेकर 23 आयत तक, इफिसियों पहले अध्याय के 15 आयत से लेकर उसके 23 आयत तक आज के मनन के लिए हम पढ़े भाई। और आगे आए दीपक और इस समय इस वचन को पढ़ेंगे, आप सब अपने बाइबल खोल के इस वचन को देखते रहे। इफिसियों पहली बाब उसके 15 आयत से, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आँखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीराश की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर श्रोमणी ठहरा कर कलीसिया को दे दिया, ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमेन। स्वर्ग पिता, जो कलाम आदि से था, आदि से है, अब भी है, जो कलाम आप है, आज भी उस वचन को पढ़ने के लिए आपने मदद की, उसके लिए धन्यवाद। खुदा बाप, इस वचन के माध्यम से आप हमसे बातचीत कर, तेरे दास दासियों को आप जानते हैं, इनमें से कितने बीमार है आप जानते हैं, कितने दुखी है आप जानते हैं, कितने लोग बड़े बोझ के साथ क्लेश के साथ आपके चरणों पर आए हैं ये भी आप जानते हैं। खुदावंद, इनमें से कितने जरूरतमंद है आप जानते हैं। खुदा बाप, सबको देने के लिए आपके पास है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आज हमसे बातचीत कर खुदा,
ताकि अगले एक हफ्ता जीने का शक्ति और सामर्थ आज पाकर जाने के लिए हमें मदद कर। मुझको भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ, मेरा वचन नहीं आपका वचन लोगों को देने के लिए मुझे सामर्थ और शक्ति दीजिए। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। बैठे सभी लोग, आज जो सुबह का इंग्लिश वर्शिप से लेकर हिंदी वर्शिप का भजन संहिता भी एक ही सब्जेक्ट के ऊपर हम ध्यान देते रहा। वो क्या था? वो सब्जेक्ट क्या था? वो विषय प्रेयर, प्रार्थना। ये पूरे हफ्ता आज पढ़ा हुआ उस वचन के ऊपर मैं ध्यान देते रहा, लेकिन उस पोर्शन को मैंने पढ़कर कंप्लीट नहीं कर पाया। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता था, बस इतना, रोज थोड़ा, जब बाहर थोड़ा जाकर अंदर आकर फिर थोड़ा वो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बाहर जाकर अंदर आकर थोड़ा, इसी तरह डेली इतने ही पोर्शन मैं पढ़ते रहे, लेकिन मैं कंप्लीट कर नहीं पाया। ये पांच आयत कंप्लीट कर नहीं पाया। इस वचन को कंप्लीट करने के लिए काफी समय लगता है। अच्छी तरह इस वचन का बयान करने के लिए बहुत समय लगेगा। आज उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। थोड़े थोड़े हर हफ्ता हम उसको देखें। यहां पर चार पांच पॉइंट लिखा है, मैं प्रार्थना करता हूं। मैं क्या करता हूं? प्रार्थना। 16 आयत में मैं प्रार्थना करता हूं। ऐसे ही नहीं लिखा मैं लोगों से प्रार्थना करवाता हूं। हमारी आदत हमेशा क्या है? हमारी आदत क्या है? हम प्रार्थना करवाते हैं लोगों से। प्रार्थना करने का कोई सिचुएशन पौलुस के पास यहां पर नहीं था। प्रश्न एपिस्टल में आता है, ये जो एफेसियों का पत्री भी जेल में, कैद में। यदि आप में से कोई एक कैद में पड़ा है तो हम क्या बोलेंगे? फोन से लोगों को क्या करते हैं? फोन से बातें करते करते बोलते, मैं कैद में पड़ा, मैंने कोई गलत नहीं की, कैद में पड़ा हूं, बड़े दुखी हूं, चार हफ्ता, चार दिन हो गया, खाना ठीक से नहीं मिलता, कपड़ा भी ठीक से नहीं, बड़ा दुखी हूं, आप सब मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। यहां पर पौलुस उस हालत में पड़े पड़े वो क्या करता है? दुखी लोगों के लिए प्रार्थना कर रखा है। वो आप बड़े दुख में है, लेकिन लोगों से ये नहीं बोलता आप मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं जेल से क्या करूं बाहर। मैं नहीं बोल रहा हूं किसी से प्रार्थना का रिक्वेस्ट ना करो, ऐसे ऐसा नहीं है। प्रार्थना मैं भी लोगों से बोलता हूं और बताता हूं, मेरे लिए दुआ करो। हमें एक दूसरे के लिए दुआ मांगना करना बहुत जरूरी है। यहां पर पौलुस लोगों से प्रार्थना का विनती ज्यादा नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे? प्रार्थना कूद कर रहा है। हम प्रार्थना करने वाला बनना है, प्रार्थना करना। आजकल बहुत ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में मेरे लिए दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, लेकिन स्वयं 10 मिनट बैठकर क्या नहीं करता? प्रार्थना नहीं करते हम। आप अपने घरों पे देखो कितने देर बैठकर आप प्रार्थना करते हैं। संडे को चर्च के बाद सभी आ जाता है, मेरे लिए पादरी साहब हम करने के लिए तैयार है, हम करते रहेंगे, अब बोले ना बोले ये हमारा फर्ज है आपके लिए दुआ करना, वो करेंगे हम, वो करेंगे, ये हमारा फर्ज है। लेकिन आप भी दुआ करने वाला बनना, अपने घरों पे। पहले समयों में, बहुत साल के पहले समय के बारे में मैं बता रहा हूं, लोग छोटे छोटे चौपड़ियों में रहता था, लेकिन विश्वासियों के घरों पे दुआ के लिए एक चटाई,
हमेशा उनके कमरे में बिछाया हुआ था। लेकिन आजकल के घरों में पूजा रूम जरूर एक है कमरा, टू बेडरूम का हो, थ्री बेडरूम, एक छोटा सा कमरा पूजा रूम होगा। वहां पर क्या होता है, जब हमें दुख ज्यादा आता है, मुसीबत ज्यादा आता है, वहां पर जाकर देखो ये काम मैं करने जा रहा हूं, मुझे बचाना है, मेरे जरूरत पूरा करना, आज्ञा देकर जा रहे, लेकिन वहां पर घुटने बैठ कर हम नहीं। प्रेयर रूम है, लेकिन प्रेयर रूम में हम क्या नहीं करता। एयरपोर्ट में भी प्रेयर रूम है, स्मोकिंग रूम है, प्रेयर रूम भी है, अलग अलग रूम, हर एयरपोर्ट में प्रेयर रूम होता है। मैं बहुत कम देखते हैं वहां पर लोग बैठकर प्रेयर करता है। आपके और मेरे जीवन में, हमारे घरों पे प्रार्थना के लिए एक अवसर, एक जगह जरूर होना। मैं नहीं कह रहा हूं एक अलग कमरा बनाओ, नहीं, प्रार्थना करने के लिए, स्वयं प्रार्थना करने के लिए अवसर अपने जीवन में निकालना है। कई बच्चों से मैं पूछता हूं, बाइबल पढ़ा? नहीं, आज नहीं पढ़ा, कल नहीं, कल भी नहीं पढ़ा, परसों याद नहीं, कि आज खाना खा, हाँ खाना सुबह भी खाया, दोपहर भी खाया, शाम को भी खाया, खाना कभी हम भूलता नहीं, लेकिन कई दफा बाइबल पढ़ना भूल जाता है, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लेकिन आज हम ये अपने जीवन में, आप सोचे क्या आप अपने घर पे बैठकर दुआ करते, या जब भी कोई बात होते हैं लोगों को बुलाते? हम बुलाना जरूर, प्रार्थना के लिए लोगों को बुलाना ये जरूर बात है, लेकिन मैं वो नहीं बोल रहा हूं। लेकिन आप भी स्वयं अपने घर पे बैठकर प्रार्थना करें, प्रार्थना करके चर्च में आए। यदि मैं आज पूछूं, 5 मिनट कम से कम घर पे बैठकर दुआ करके चर्च में आया हुआ लोग कितना है करके मैं पूछूं, आप में से कितने हाथ खड़ा करने के लिए होगा? खड़ा नहीं करना। आज एक्सक्यूज है, क्या एक्सक्यूज है? पादरी साहब हमें चर्च टाइम पर पहुंचना था, इसलिए बाइबल भी नहीं पढ़ा, प्रार्थना भी नहीं की, यहां पर आकर दुआ करने के लिए हम आए गए। चलो छोड़ो, आज का दिन माफ है, और कल आज के बंदगी के लिए प्रार्थना की 5 मिनट। कम से कम आज के आराधना सभा के लिए प्रार्थना कर कर आए। यदि अब तक ऐसा आदत नहीं है तो अपने घर पे संडे के आराधना सभा के लिए अब विशेष घर पे दुआ करके आना है, तभी खुदा आपसे बात करेंगे और परमेश्वर का आशीष को पाकर हम जा सकते हैं। यहां पर पौलुस उस हालत में रहकर कहता है, मैं प्रार्थना करता हूं, हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूं। हमारा गवाही ये हो, प्रार्थना करने वाले एक इंसान बन जाए। और यहां पर उस विषय में 4-5 बात हम देखते हैं। प्रार्थना किसके लिए प्रार्थना की, किसके लिए पौलुस प्रार्थना की, दूसरे बात किस विषय के लिए, प्रार्थना का सब्जेक्ट क्या था, ऐसे प्रार्थना नहीं कर रहा था, एक विषय को लेकर उसी के लिए दुआ करता था, एक व्यक्ति के लिए दुआ करते थे, और उसके बाद कौन प्रार्थना करना, और फिर हमारा प्रार्थना किससे करना है, कब प्रार्थना करना है, बहुत सारे विषय प्रार्थना। लेकिन हमें ये, कल हम निर्गमन के किताब पढ़ रहा था और उसमें 15 अध्याय में गीत गाया, गीत गाने के लिए किसी ने भी नहीं बोला था मरियम को, किसी ने भी नहीं कहा अभी बहन मरियम आगे आकर एक गीत गाएंगे। हमारे सभाओं में ऐसे ही होता है, गाने के लिए लोगों को बुलाते हैं और उनसे गवाते हैं। लेकिन मरियम कौन था, मूसा का बहन, उनको और भी एक भाई था, क्या नाम है उसका, क्या नाम, हारून। देखो कितना अच्छा ब्लेस्ड फैमिली, मूसा और हारून और मरियम, एक ही बहन, दो भाई,
तीनों प्रभु के कामों में, प्रभु के साथ, प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु के खिदमत में, प्रभु के आराधना में अगुवाई कर रहे हैं। परिवार मिलकर खुदा के आराधना में, प्रभु के सेवा में, प्रभु के साथ जुड़े हुए, चर्च के साथ जुड़े हुए, सेवा के साथ जुड़े हुए, प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोग, परिवार के पूरे। प्रेज द लॉर्ड। जब लाल समुद्र पार किया गया, किसी ने भी उनको नहीं बोला, बोला डप ये जो है आप तबला ले लो और गाओ, किसी ने भी नहीं बोला। मरियम अपना तबला हाथ में ली और बचाना शुरू की, गाना शुरू की। उस समय वो देखकर पीछे पीछे एक 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 पूरा इसराइली गाना शुरू की। हालेलुया। वहां पर ये नहीं मेरा नाम अभी बुलाएं, मेरा नाम यदि बुलाएगा तो मैं गाएंगे, मेरा नाम बुलाएगा तो मैं प्रार्थना करेंगे। हम चर्च में इंतजार करता है कब मेरा नाम बुलाएंगे। कोई आपको आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए और वचन के लिए, गाने के लिए नाम बुलाने की जरूरत नहीं। अब मरियम को पता लगा ये अवसर है गीत गाने का, क्योंकि ये जो लाल समुद्र पार होने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें शक्ति और सामर्थ्य में कैसे चुप रह सकता है। हालेलुया। कभी मैंने प्रतीक्षा नहीं की। वहां पर 14 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर मूसा को कहो अपना लाठी आगे बढ़ाओ, और मूसा लोगों के कहते कदम आगे बढ़ाओ, कदम आगे बढ़ाओ, आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहे। आगे क्या था, क्या था? लाल समुद्र। दीपक भाई होता तो मेरे से पूछेंगे, पादरी साहब आप बोलते हैं आगे बढ़ो बढ़ो, कहाँ रास्ता? आगे पूरा पूरा क्या है? लाल समुद्र। आप बोलते आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, रोड कहाँ? आप एक रोड बनाओ, मैं तो सबसे आगे खड़े होकर आगे चलेंगे। हालेलुया। मूसा उनको कह रहे आगे कदम रखो, आगे कदम रखो, लेकिन लोग आगे कदम रखा हूं बहुत बड़ा समुद्र देख रहे हैं। जैसे जैसे खुदा की आज्ञा के अनुसार कदम आगे रखते रहा, वैसे वैसे सड़क उनके बीच में खुलते रहा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप मुसीबत को आगे देखते हो, कोई रास्ता आपके आगे दिखाई नहीं दे रहे, कोई द्वार आपके आगे दिखाई नहीं दे रहे, विश्वास के साथ कदम आगे रखो, रास्ता खुल जाएगा। हालेलुया। रोड बन जाएंगे। आपको समुद्र में डुबाने के लिए खुदावंद बच्चा के नहीं लाया, समुद्र के बीच में रास्ता तैयार करते हैं, और उसके बाद समुद्र सबके सब पार हो गया। उस समय मरियम अपने जीवन को थोड़ा समय सोचता हूं, मेरे भावना में बाइबल में तो नहीं लिखा, जब पार हो गया सारे लोग, अरे मरियम ऐसे, अरे ये कैसा हुआ, पीछे मुड़ कर, अरे इतना बड़ा समुद्र हम कैसे क्रॉस की। उसने देखा हमारे हाथ में कोई क्या नहीं था, कोई कोई हथियार नहीं था, लेकिन जब ऊपर के तरफ देखा वही से एक आवाज, बेटी मेरे करुणा और दया तेरे ऊपर था, तुम्हारे ऊपर था, इसलिए समुद्र आप लोग क्रॉस किया है। हालेलुया। पिछले हफ्ता की जिंदगी जब देखा जाए, कितने बड़े समुद्र को हमें पार करना पड़ा, कितने बड़े मुसीबत को हमें पार करना पड़ा, कितने बड़े तकलीफ को हमें पार करना पड़ा, कितने बड़े बीमारी को हमें क्रॉस करना पड़ा। यदि हम ऊपर के तरफ देखे, वहां से सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको क्या बोलेंगे, बेटी तेरा करुणा नहीं मेरा करुणा तुम्हें पार करने का शक्ति और सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। इस जंगल के सफर में, इस मरुभूमि के सफर में यदि खुदावंद के करुणा और दया हमारे साथ ना होता तो हम आज इस आराधनालय में बैठने का लायक नहीं था। हालेलुया। जब ये बात मरियम अपने हाथ में अपने जीवन में सोचा, उस समय उसको लगा अभी मैं चुप नहीं रह सकता, मुझे गाना पड़ेंगे। हालेलुया। मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि इतने बड़े आपस से खुदा ने मुझे बचाया, सिर्फ मुझे नहीं पूरे इसराइलियों को इतना बड़ा आपस से जब बचाया, इतने बड़े समुद्र में रास्ता खोला, कैसे मैं चुप रहूं। उसने अपना डबली हाथ में ली, बचाना शुरू की, गाना शुरू की, साथ में और भाई खड़े थे वो भी साथ मिला, बहन खड़े थे वो भी साथ मिला, बुजुर्ग खड़े थे वो भी साथ मिला, एक 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 पूरा इसराइली समुद्र के आगे एक आराधना सभा शुरू की। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। प्यारे जीसो, प्रभु के भवन में जब आ जाता है, खुदा में बचाई हुआ बातों को जब स्मरण करेगा, हम चुप नहीं बैठ सकता। इसलिए यह हम्बर पौलुस दुख में बैठा, मुसीबत में बैठा, तो भी बाहर जो कलिशिया को जब स्मरण की, वो कहते मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि इतना नहीं, सिर्फ संडे आकर बंदगी कर कर जाने वाला विश्वासी बनकर आप ना रहे, उससे आपको बढ़ना है, उससे आपको आपका अंग खुलना, आपका विश्वास, ये नहीं। पौलुस किस बात के लिए उनके लिए प्रार्थना की, किस बात के लिए? खुदा उनके बड़े बेटा, उसका कलिशिया के, हाँ रोहित का नाम नहीं है, उनके बड़े बेटे को किसी न किसी रीत में आप अमेरिका भेजना है, नहीं है तो क्या, और नहीं है तो दूसरे बहन कोचिंग कर रहे उनको ओटी करना। पौलुस ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं, ऐसा कोई बात, विश्वासियों को घर मिले, विश्वासियों को फिर क्या पेपर क्लियर हो जाए, विश्वासियों को गाड़ी मिले, विश्वासियों को मोटरसाइकिल मिले, ऐसे कोई सब्जेक्ट के लिए दुआ नहीं कर रहे। यहां पर प्रार्थना सारा उसी के लिए हो रहे, जहां पर भी जाओ प्रार्थना किसके लिए हो रहे, किसके लिए हो रहे, विश्वास के लिए, उनके लिए, ये सारे हो जाए। मैं कहता हूं उसके लिए दुआ करना है, लेकिन पौलुस किस बात के लिए दुआ कर रहे हैं? पौलुस ये दुआ कर रहे, खुदा इनके बुलाहट का मीनिंग क्या ये समझ ले, इनके आंखों को खोल दे, इनके कानों को खोल दे, ताकि ये समझे खुदा का पहचान इनके अंदर आ जाए। एक बार खुदा का पहचान इनके अंदर आ जाएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर किसी कोई ज्यादा दुआ करने की जरूरत नहीं है, खुदा ऑटोमेटिकली आपके जीवन में, जब आप खुदा के पहचान में, विश्वास के पहचान में, वचन के पहचान में, प्रभु में जब आप बढ़ेंगे, खुदा आपके लिए बाकी सारा काम सेट करेगा, सारा काम सेट करेंगे। हालेलुया। हमें अपना जिंदगी में समय अब हो रहे, खुदा चाहे तो अगले प्रचार में बाकी बात हम देखे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। क्या हम दुआ करवाने वाले हैं या दुआ करने वाले हैं? अपने आप को थोड़ा परखें, कितने देर दुआ करने के लिए हमारे पास समय है। आज सुबह लूका 18 अध्याय इंग्लिश वर्शिप में हमने पढ़ा, एक लेडी, वो किसी को नहीं भेज रहा था, वो कूद जा रहा था जज के पास, कूद, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब तक उनका कार्य पूरा नहीं, वो स्वयं प्रभु के चरणों पर जाकर, यानी जज के पास जाकर बातें करते रहा, कटकड़ाते रहा, कटकड़ाते रहा। आज प्यारे जीसो, आपको छुटकारे की जरूरत है, आप खुद स्वयं प्रभु के चरणों पर आए और उनके द्वार पर खटखड़ाते रहे। प्रभु के वचन में लिखा गए, खटखड़ाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। आप कर्जा में डूबे हुए हो, परेशानी में डूबे हुए एक इंसान हो आप, कई तरह की दुख की बात आपके जीवन में, उस विधवा के तरह प्रभु के चरणों में आकर आप स्वयं घुटने बैठने के लिए आप तैयार हो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब तक आपका सुनता नहीं तब तक, जब तक आपके ऊपर रहम नहीं करता तब तक। 123 भजन संहिता, 121 भजन संहिता, ये सब आप पढ़कर देखना, जब तक हमारे ऊपर खुदावंद रहम नहीं करता तब तक हमारे आंखें उनके तरफ से हम उठाएगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस लोगों के लिए, प्रभु परमेश्वर का पहचान इनके अंदर आ जाए, उनके शक्ति शक्ति को समझे, यीशु मसीह का शक्ति, यीशु मसीह का सामर्थ, यीशु मसीह का पहचान इनके अंदर आ जाए। प्यारे सीसो, यदि यीशु का पहचान हमारे अंदर आएगा तो हर कार्य सफल हो जाएगा। यीशु कौन है, यीशु क्या है, यीशु कैसे है, यीशु हमारे लिए क्या की, यीशु के पहचान में हम आ जाए। हमें जरूरत है यीशु के पहचान का। कई लोग चर्च में आते हैं लेकिन यीशु का पहचान उसके अंदर नहीं। यीशु के लिए कैसे जीना,
यीशु के लिए कैसे बढ़ना है, यीशु का नाम कैसे लेना है, यीशु के साथ कैसे एक रिश्ता बनाना है, बढ़ाना है, उनके बारे में कई दफा में मालूम नहीं। लेकिन आज प्रभु से दुआ करे, खुदा मेरे आंखों को खोल ताकि मैं आपको देखूं, मेरे कानों को खोल ताकि आपके आवाज को मैं सुनूं, मेरे दिलों को खोल ताकि आपके बातों को